पोको के स्मार्टफोन्स पे नेक्स्ट लेवल डील्स आ रही है, मैं सारी बताता हूँ। दिवाली का टाइम भाई जल्दी आने वाला है। फोन पावड़ी चली गलत थाली गया है, फोन वाली चेदी। अब भाई मॉडर्न दिवाली। ओहो भाई ये देखो मैंने क्या पहाड़ बनाया, कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई, बनर बनाओ पैसे कमाओ 25 दिन में करोड़पति। वो ये स्मार्टफोन्स भाई जेन्युइनली काफी तगड़े ऑफर्स आ रहे हैं, हमने इसीलिए सारों एक साथ रख दिए और हमने से इसमें कुछ ट्राई भी नहीं करा। हमने सोचा भाई एक्साइटमेंट पूरी सेल में निकालेंगे, वो सब मैंने खरीद लिया। मैं बता रहा हूं डील बताता हूं, बिग बिलियन डेज पे 6GB रैम वाले स्मार्टफोन पोको के 10,000 के नीचे, फ्लैगशिप फीचर्स वाले स्मार्टफोन बजट में आ रहे हैं भाई, सब जादू भाई। देखो आप इसमें नोटिस करोगे बाकी सारे पीले डब्बे हैं, बट दो डब्बे काले हैं क्योंकि नजर ना लग जाए ना भाई। भाई ये भाई जिस पे रुकेगा उसी की अनबॉक्सिंग। ये क्या है, प्राइम प्राइम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। अब कर लेते हैं दोस्तों बजट स्मार्टफोन। ये वाला पोको M4 Pro तेजी से दिखा दो, 33 वॉट का चार्जर है, केबल है। ये वाला स्मार्टफोन आप देखो भाई लग तो लग सा ही रहा है, ब्लू कलर का, थोड़ी शाइन वाइन मार रहा है यार। देखो आवाज भी आ रही है, हल्का सा एक मैट फिनिश में, ऑल्दो एक बजट स्मार्टफोन है, बट हाथ में पकड़ने भाई कंफर्टेबल और थोड़ा सा प्रीमियम फील दे रहा है। ऊपर की साइड पर आप पूरा कैमरा हम देखोगे, ऊपर की साइड यहाँ पे पोको लिखा हुआ है, ये हमारा देखो येलो कैरेक्टर, ये वाला ब्लू कैरेक्टर भाई। इसमें एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले 90Hz का और 1000 nits तक इसकी ब्राइटनेस आती है। इस वाले स्मार्टफोन में आपको MediaTek G96 देखने को मिलता है, जो एक्चुअली एक काफी तगड़ा प्रोसेसर है। कैमरा की बात करें तो एक 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, बैक साइड में ऊपर यहाँ पे ऐसे सर्कुलर सा बना रखा है, और इसके साथ साथ एक अल्ट्रा वाइड और मैक्रो भी है। इस प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीजें नहीं आ रही है। 33 वॉट का चार्जर हम दिखाई चुके हैं और इसके साथ साथ 5000 mAh की बैटरी है भाई, फॉर्म फैक्टर के हिसाब से लगता नहीं 5000 mAh की बैटरी, 10,000 रुपए के नीचे के अंदर आ रहा है भाई 90Hz के पैनल के साथ। इसका बेस वेरिएंट 664GB का है, और अगर आप एक 4G फोन ढूंढ रहे हैं बजट में ये डेफिनेटली काफी तगड़ा ऑप्शन होगा भाई। फाइनली अगर मैं बताऊं यूजुअली आपको 15,000 के अराउंड का देखने मिलता है, बट इस वाली सेल के अंदर 9,750 रुपए ओनली। आखिरी डील के लिए हम ये ले आए, इसके अगर मैंने बीच में मार दिया तभी बताऊंगा क्या निशाना लगाया मैंने। वाह अरे बेटा 5G फोन आ रहा, 5G बताओ, हम भी तो स्टडी मटेरियल, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ा होती है। ओके अंकल एक सेकंड बता रहे, ये है पोको का M4 5G। इसके अंदर भाई अनबॉक्सिंग अगर मैं करके दिखाऊं, वही सेम आपको स्टैंडर्ड केसेस देखने मिल जाता है। फोन भाई देखो साइड से अगर दिखाऊं येलो फ्रेम दिख रहा है, 2.5 वॉट का चार्जर, बट ये स्मार्टफोन देखो यार ये काफी डिफरेंट सा एस्थेटिक है, और मतलब ये जब तक टेक्सचर ना आए, जब तक थोड़ा गाना ना बजे, तब तक कैसे मजा आएगा। डिजाइन अगर आप देखोगे तो पोको का वही फेमिलियर डिजाइन है, IP52 रेटिंग है। पानी की टिप में अगर करना हो तो बारिश में फोन भीग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, पर इन हैंड फील भी हाथ में काफी अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। इसमें आपको एक 6.5 इंच का 90Hz फुल HD LCD पैनल देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर हमको Dimensity 700 देखने को मिलता है भाई, जो डेफिनेटली एक बढ़िया प्रोसेसर है। बैक साइड में अगर देखो 50 MP का कैमरा है, प्लस 2 MP एक और हमारा ऐड करके सपोर्ट, और फ्रंट में 8 MP का शूटर है, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट चार्जिंग, और इस प्राइस पॉइंट में भाई अभी तक का सबसे ज्यादा सस्ता 5G स्मार्टफोन। वैसे इसका यूजुअल प्राइस 13,000 रुपए के अराउंड रहता है, बट इस वाली सेल के अंदर 9,750 रुपए 6+128GB वाला आपको 11,700 रुपए का देखने के लिए मिल जाएगा। ये है पोको M4 Pro, ये काफी पावरफुल वाला स्मार्टफोन है, इसे मैं तेजी से अनबॉक्सिंग करता हूँ। अरे पहले से खुल रखा था भाई ये देखो, ओहो Among Us खेलने का टाइम आ गया। बैक साइड में एक मैट फिनिश है, बट भाई काफी प्रीमियम भाई लग नहीं रहा बजट स्मार्टफोन। इस वाले स्मार्टफोन में Dimensity 8110 भी देखने के लिए मिलता है, लगता है भाई गोल्ड डस्ट भैया ने बनाया, जिन्होंने पता WWE। बारिश अगर हो रही है हल्का फुल्का बिगा लो, IP53 है, 90Hz का एक LCD डिस्प्ले भाई सही दिख रहा है यार। और बैक साइड में अगर आप देखो कैमराज है, 50 MP का प्राइमरी, 8 MP अपना अल्ट्रा वाइड, नाइस। और मुझे एक चीज और पसंद है, ऐसे जो वाइब्रेशन मोटर ना थोड़ी महंगी सी लग रही है, मतलब यूज करने में चलाने में भाई बजट स्मार्टफोन नहीं फील हो रहा। ऑफ कोर्स भाई पोको के स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। इसका प्राइस 14,999 रुपए, बट इस वाली सेल के अंदर ये डिस्काउंट मिल रहा है 10,999 रुपए। इसके अंदर 5000 mAh बैटरी है, प्लस Dimensity 8110 11,000 रुपए में, भाई काफी तगड़ी डील है भाई। ये वाला स्मार्टफोन इस टाइम पे मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन है। नेक्स्ट वाला सेगमेंट हमारे भाई घूमो ना पाओ, पोको X4 Pro 5G ब्लैक बॉक्स। आई लव ब्लैक, मैं वीडियो भी ब्लैक एंड व्हाइट देखता हूँ। ये बॉक्स में भी सही है, मतलब आपको कवर वर वही देखने को मिलता है। डिजाइन का एस्थेटिक है तो काफी सिमिलर, बट भाई ये बिल्कुल ही डिफरेंट फील हो रहा है यार। साइड में इसमें भी एक गोल्डन फ्रेम है, और बैक साइड में भाई पूरा ही ग्लास बैक, और ऑफ कोर्स भाई कैमरा बम देखो काफी डिफरेंट सा, काफी कूल सा लग रहा है यार। 67 वॉट का चार्जर भी दे रखा भाई। इसका डिस्प्ले अगर आप देखो एक 6.7 इंच का 120Hz सुपर AMOLED पैनल है, बट मैं बता रहा हूँ प्राइस मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा इस वाले स्मार्टफोन का। इसमें स्नैपड्रैगन 695 देखने में मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक तगड़ा प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी, और बैक साइड में अगर आप देखो भाई प्राइमरी वाले जो कैमरा है एक 64 MP कैमरा है, उसके साथ साथ एक 8 MP अल्ट्रा वाइड, और बाकी बोलोगे दो सर्कल में AI लिखा हुआ है, एक फ्रंट वाले 16 MP सेल्फी खींच के दिखाता हूँ भाई।
सेल्फी देख के ना मजा तो आया, क्या दाढ़ी वाड़ी दिख रही है, कुछ अलग से टेक्सचर दिख रहा है यार। भाई ये फोन आया था 18,000 रुपए के अराउंड में, बट इस वाली सेल पे आपको देखने के लिए मिलेगा 13,999 रुपए का। इसका 6+128GB वाला वेरियंट 15,000 रुपए का और 8+128GB वाला वेरियंट 17,000 रुपए का। आपको बता भाई कौन सा सही है आपके लिए। भाई नेक्स्ट वाली डील आप गेस करने की कोशिश करो, समझे दोस्तों? नहीं, फ्लैग और शिप। भाई ये तो बोट है, दिल की बात समझो। पोको F4, इसमें भी केस में सेम सा है, बट हमको केस से ज्यादा मतलब नहीं है, हम आपको हाथ में पकड़ के कुछ अलग सा लग रहा है, हरियाली कलर। ये वाला स्मार्टफोन भाई हमने रिव्यू भी कर रखा, लिंक डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये वाला स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल वाली फीचर्स के साथ है, स्नैपड्रैगन 870 है। फ्रंट में देखोगे भाई गोरिल्ला ग्लास 5 आपको देखने मिलता है, डुअल स्पीकर्स है नीचे की साइड पे भी ऊपर की साइड पे भी, डॉल्बी एटमॉस के साथ आ रहा है। उसके साथ साथ भाई देखोगे एक्चुअली बहुत ही पतला सा है भाई, 7.7 mm जो कैमरा बम भी है वो भी ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का। E4 एमोलेड डिस्प्ले भाई यहाँ पे कटा कटा, यहाँ पे क्या बढ़िया छोड़ दो पंचोल है। और डिस्प्ले भाई मैंने जितना भी चलाया एक्चुअली काफी ज्यादा ब्राइट फील होता है। परफॉर्मेंस भाई कोई कमी आएगी, हमने गेम वेम चला रखी है, स्नैपड्रैगन 870 क्या भागती है भाई, मजा आता है भाई, सही है भाई, पावरफुल भी है, हीट भी नहीं करता। इसने मेरे को पोको F1 की याद आई, गेमिंग के लिए इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हो। और अब आ जाता है भाई प्राइस की बात, ये वाला स्मार्टफोन 11 मिनट में 50% चार्ज आता है, बहुत ही ज्यादा तेज बैटरी, 67 वॉट की चार्जिंग है, 4500mAh बैटरी है, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल और साथ 8 और 2 मेगापिक्सल का एक वाइड और ऑफ कोर्स भाई अपना इमोशनल कैमरा। और प्लस 64 मेगापिक्सल जो कैमरा उसके अंदर OIS भी आपको देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन की MRP 27,999 रुपए, बट सेल के अंदर 19,999 रुपए। भाई 19,000 में स्नैपड्रैगन 870 प्लस ये सारी चीजें, भाई इस बार बिल्कुल मजा आ गया भाई, डील्स आई तो करा ली। ये वाला स्मार्टफोन भाई एक्चुअली 28,000 के अराउंड का मिलता है, बट भाई 20,000 के नीचे। होपफुली आपको ऑफर्स बताऊं भाई, कमेंट सेक्शन में बताना इस टाइप के ऑफर वाली वीडियोस आपको पसंद आती है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।